नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना आपके लिए, ये आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, काम कारोबार आपका कैसा रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो तभी आप अपने जीवन के सभी कार्य अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कितना धन लाभ इस महीने आपको मिलने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा मासिक राशिफल में। साथ ही साथ भाग्य प्रतिशत क्या कहता है इसकी जानकारी मिलेगी। और कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, क्या आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या रिश्तों में कोई तलखी आ सकती है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए और क्या मेरी विशेष सलाह, ये सभी जानकारी मासिक राशिफल में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ दर्शकों, यहाँ पर कुछ राशियों को थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा क्योंकि सूर्य और केतु की युति आने वाले 15 दिन तक चलेगी। किन राशियों को सावधान रहना पड़ेगा और क्या उपाय होंगे, पूरी जानकारी जरूर देखिए अक्टूबर माह के मासिक राशिफल में। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अपने दर्शकों के लिए लेकर हाजिर हूँ क्या कहता है आपका अक्टूबर माह का मासिक राशिफल 2024। हर माह लेकर आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर माह प्रतिदिन ग्रह चाल जब बदलती है तो उसी के आधार पर आपका समय भी बदलता है, आपके तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं, धन की प्राप्ति भी होती है और कई चुनौतियों का भी आप लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इस बार भी ग्रह चाल के आधार पर जानेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। बिना वक्त गवाए आइए शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं आपके इस बार ग्रहों की स्थिति, बताएं बहन जी। बिल्कुल, देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए कविता जी, तो चीजें धीरे धीरे बेहतर ही होती जा रही हैं। अब वो ऐसा फेज आ रहा है कि बृहस्पति बहुत शुभ हो गए हैं और शनि की साढ़े साती भी है, वो ढलान पर है, अच्छे दिनों की शुरुआत। बिल्कुल, तो इनके लिए अभी से ही शुभ परिणाम मिलने शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी अच्छा रहेगा जी। तो देखिए, इस महीने पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है आपका, तो दूसरे भाव में शनि है, वक्री अवस्था में है, तो बहुत ही अच्छी आपके लिए प्लस पॉइंट है। राहु आपके लिए बहुत अच्छा है तीसरे भाव में, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं, पंचम भाव में गुरु भी जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन ये 9 तारीख से वक्री हो जाएंगे तो और भी बली हो जाएंगे। छठे भाव का मंगल भी प्लस पॉइंट है आपके लिए, सातवां भाव खाली है, यहाँ मंगल आ जाएंगे आपके 20 अक्टूबर के बाद से, तब थोड़ी सावधानी रखनी होगी, इस पर वीडियो बना रहे हैं अलग से बताएंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा है, ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट रहेगा, बताएंगे क्या दिक्कत आएगी। भाग्य स्थान में बुधादित्य राजयोग केतु के साथ ये शुभ, दशम भाव में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो ये महीना आपके लिए छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा लाभ कमाने का है। यानी कि बंपर लाभ देकर जाएगा, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, छोटी मोटी चीजों को। लेकिन आइए, बंपर लाभ आपको सबसे पहले सेहत में मिलने वाला है या नहीं पहले ये जानेंगे। देखिए मकर राशि वालों, इस महीने आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी क्योंकि मंगल छठे भाव में है, तो कोई भी आपको रोग लगा हुआ है वो ठीक होगा, दवाइयां भी काम करेंगी, शुक्र आपका बहुत बली है, बहुत अच्छी स्थिति में है और बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लग्नेश शनि भी अच्छी अवस्था में है इस समय, तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मगर चंद्रमा अष्टम भाव में जब हो जाता है, वो भी माह की शुरुआत में, तो एक सलाह दी जाती है कि इस महीने आपकी भागदौड़ जो है बहुत ज्यादा रहेगी, स्ट्रेस एंग्जाइटी इस चीज से आप परेशान रहेंगे या अनिद्रा से, तो आपको अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग करना है, फिजिकली तो आप फिट रहेंगे। बिल्कुल, मैं जैसे के साथ स्टूडेंट्स के लिए ये समय उनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए पंचम भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो शिक्षा परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है जी। जिन लोगों को विदेश जाना है, एडमिशन लेना है, या इंडिया में रह के भी आप किसी भी मतलब की आयु वर्ग में है, बहुत से कविता जी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी आयु 40-50 वर्ष है, वो पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं गुरु पंचम भाव में हो तो उस समय उस पढ़ाई की अगर शुरुआत की जाए जी, तो बड़ी अच्छी सफलता उनको मिलती है। कितनी संभावना है इस बारे में? संभावनाएं बहुत जबरदस्त है, ये समय बहुत अच्छा है, अगर आपका अक्टूबर नवंबर में कोई टेस्ट कोई परीक्षा है तो वहां आपको सफल होने की संभावना है। ग्रह नक्षत्र तो बता रहे हैं अब, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी जी, तो ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है। चलिए, ग्रह नक्षत्र तो स्टूडेंट्स के लिए फेवर में है, लेकिन अब अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो वहाँ रिश्तों के मामले में ये महीना आप लोगों के लिए क्या नया लेकर आ रहा है, यानी कितने नए रिश्तों से आप जुड़ेंगे और जिन रिश्तों से अभी तक जुड़े हुए हैं उनके साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, बताएं। देखिए रिश्तों की बात करें तो अभी 20 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है जी, क्योंकि 20 अक्टूबर तक आपके लव रिलेशनशिप मैरिड है बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद जैसे ही मंगल जो है यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे
तो फिर नीच के मंगल हो जाएंगे सप्तम भाव में, और ये क्या दिक्कत करेंगे, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं, जी हो सकता है कि जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी झेलनी पड़े, तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या इस महीने आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में रहेगी। चलिए, ये तो आपने अपनी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, और पर्सनल लाइफ से निकलकर अब अगर बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो देखिए वहाँ आप कितनी तरक्की करेंगे, यानी कि तरक्की के रास्ते कितने खोलने वाले हैं, चाहे जॉब में हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस है, तो वहाँ सफलता आपके किस प्रकार से कदम चूम रही है ये भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस महीने अगर हम देखें तो आपके जो मुख्य मुख्य ग्रह हैं जो आपको लाभ पहुंचाते हैं वो शनि, शुक्र और बुध हैं। ये तीनों ही पावरफुल सिचुएशन में है, जी अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया है। तो इस महीने नौकरी परिवर्तन का योग बन रहा है, नए काम कारोबार की शुरुआत आप कर सकते हैं, जी बिजनेस में अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है, बिजनेस में फायदा होगा। खासकर जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड में है, या अपना होटल रेस्टोरेंट का कारोबार है, लकड़ी का व्यवसाय करते हैं, लोहे की मशीनरी का काम करते हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। खेल जगत से जुड़े जो लोग हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी सितारे बहुत ही प्रबल हैं। तो कुल मिलाकर ये महीना काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं ये ओवरऑल तो आपने बता दिया इनकी पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ और वेल्थ के बारे में एक रहता है मुझे लगता है। आइए इस पर बात कर लेते हैं कि आर्थिक स्थिति अब की बार आपकी क्या कहती है। देखिए अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो शुक्र की स्थिति और सूर्य बुध की स्थिति अच्छा धन लाभ दे रही है, और गुरु की जो दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा है। तो पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा, मुनाफा अच्छा कमाएंगे बिजनेस में। अब देखिए व्यापारी ही लाभ कमा सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों को तो फिक्स सैलरी मिलती है, जी लेकिन फिर भी इस महीने अगर आपका कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है तो वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं जी के साथ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं इस महीने, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, जमीन, कुछ भी करना है तो एक बार देखभाल जरूर कीजिए, लेकिन समय आपके साथ है, लाभ आपको जरूर होगा। लेकिन क्या अभी भी उधारी से बचना चाहिए? हाँ उस चीज से बचना चाहिए, मेरी सलाह ये है, खासकर 20 अक्टूबर के बाद से। चलिए, इसी के साथ अब जाते जाते मैं जी भाग्य प्रतिशत क्या कहता है इनका? देखिए भाग्य प्रतिशत बहुत शानदार है, 90 से 95% भाग्य आपके साथ रहेगा, क्योंकि सूर्य बुध की स्थिति यहाँ भाग्य स्थान में शुरुआत में बहुत अच्छी बन रही है, और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी दशम दृष्टि बहुत ही शुभ है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। मगर आप देखिए माह की शुरुआत में ही क्या चीज़ का निर्माण आपके लिए हो रहा है कि शनि कुंभ में है और चंद्रमा सिंह में है, तो विष योग है। तो इस महीने आपको क्या चीज़ सावधानी रखनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक तनाव से बचना चाहिए, जो आप सलाह के तौर पर बता रहे सलाह हैं, के तौर पे एंग्जाइटी से बचें और अनिद्रा की समस्या से भी बचना चाहिए। मैं जी सलाह आपने बता दी, उपाय क्या है इसके? देखिए संपूर्ण मास शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः जी शिवाय करें, और शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, जी पंचामृत चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। गणेश जी की आराधना करें वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और फेस्टिवल का सीज़न रहेगा पूरा अक्टूबर का माह, तो खाने पीने में भी थोड़ा संयम रखें, जी खासकर 20 अक्टूबर के बाद से, कि ऐसा ना हो कि फूड पॉइजनिंग, पेट संबंधी रोग या कोई पेट से नीचे के रोग परेशान करें, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मैंग जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।